तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लविश। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। और गाइस, आज मैं एक रेसिपी शेयर करने वाला हूं आपके साथ। बेसिकली क्या, मैं अपने स्टूडियो आया हुआ था फ्रेंड के, तो यहाँ पे लंच का सीन बन गया कि यार कुछ खाते हैं, बट अभी क्या थोड़ा डाइट का भी देखना पड़ रहा है, तो कुछ हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। और अभी मैं आपके साथ एक शेयर करने वाला हूँ हाई प्रोटीन लंच मील। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कम से कम सामान में, कम से कम इंग्रीडियंट, और बहुत अच्छी रेसिपी है और हेल्दी रेसिपी है, जो कि एक हाई प्रोटीन मील होने वाली। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और बताता हूँ मैं आपको एक के बाद एक चीज़ है। जो सामान हमको चाहिए था मैंने मंगवा लिया। बेसिकली हमको राइस चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी है, ये रहा, और कुछ वेजिटेबल्स चाहिए। दिखा दूँ मैं आपको, ये वेजिटेबल्स हमको चाहिए होगी। साथ में हमें चाहिए होगा पनीर, तो मैंने थोड़ा पनीर मंगवा लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पनीर आ गया है और बस अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले मैंने ये कैबेज ले लिया है और हम हाफ़ यूज़ करने वाले हैं, हाफ से भी थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, ये बाद में दोबारा फिर से काम हो जाएगा। तो पहले कैबेज को कट कर लेते हैं। बारीक बारीक कट कर लेते हैं। मैं अधिकतर जो भी फूड बनाता हूँ तो मैं उसमें ग्रीन चिली का काफ़ी यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, तो आप भी यूज़ करा करें। ये हमने ग्रीन चिली ले ली। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने सारी वेजिटेबल्स कट कर ली। ये हमारे कैबेज है, ये कैप्सिकम है, अनियन है, टोमेटो एंड ग्रीन चिली है। मैंने बहुत रफली चॉप किया इसको, बारीक नहीं किया, थोड़ा मोटा मोटा काटा, तो हमको थोड़ा रफली चाहिए क्योंकि हमको इसको पूरा पकाना नहीं होता इस रेसिपी में, थोड़ा कच्चा कच्चा टेस्ट आना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम राइस बॉईल करने वाले हैं, राइस बनाने वाले हैं। तो राइस मैंने एक कटोरी राइस ले लिया और एक कटोरी राइस मैं कुकर में बनाने वाला हूँ, तो एक कटोरी राइस लिया मैंने। इसके डबल अमाउंट में हमको वाटर ऐड करना पड़ेगा। इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। पहले जितना हम राइस लेंगे उसका डबल अमाउंट में हम वाटर ले लेंगे। तो ये मैंने दो कटोरी हमने पानी ले लिया। अभी कुछ हमने थोड़ा इसमें सॉल्ट डाल दिया। दैट्स इट गाइस, अब 2 सीटी तक हम इसका वेट करेंगे। फाइनली हमारा सोया चंक्स जो होता है ये भी हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं, इसका पानी हटा देते हैं। इसको सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं अपन फाइनल प्रोसेस। और सबसे पहले हमको थोड़ा सा ऑयल लेना है, बहुत कम लेना है, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो बहुत थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया, 2 चम्मच ऑयल ले लिया। मैं इसमें थोड़ा सा हींग डाल रहा हूँ। हींग से क्या होता है, एक्चुअली फ्लेवर अच्छा रहता है और ये डाइजेशन में भी अच्छा होता है। तो मैंने बहुत थोड़ा सा हींग डाल दिया। फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली और अनियन। इसको थोड़ा सा मैश करेंगे। अनियन डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कैप्सिकम। ये कैप्सिकम के थोड़े बड़े बड़े टुकड़े रखे हैं मैंने, तो इसको डाल के थोड़ा चला देंगे। और कैप्सिकम के साथ ही हम टोमेटो ऐड कर देंगे। 2 मिनट तक सौते करना अच्छे से। अब इसमें ऐड करने वाले हम सोया चंक्स, जो हमने बॉईल किया था वो सोया चंक्स ऐड करने वाले हैं। और ये कर दिया हमने सोया चंक्स ऐड। ऐड करने वाले हम कैबेज, इसको जो हमने रफली कट किया था वो कैबेज ऐसे ऐड करके चलाना थोड़ा। गाइस कैबेज ऐड करने के बाद हम करेंगे थोड़ा सा इसमें सॉल्ट, ये ऐड कर दिया सॉल्ट। और मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ, ये इसमें ब्लैक पेपर और सारे गरम मसाले ऐडेड है। और थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें रेड चिली पाउडर, रेड चिली। गाइस अब मैं ऐड करने वाला हूँ बॉइल्ड राइस, ये मैंने कर दिया इसमें। बॉइल्ड राइस ऐड हो चुका है गाइस, इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। गाइस मैं इसमें फ्रेश पनीर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो पनीर को पहले हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, देन उसके बाद हमको इसमें फाइनली ऐड करना है। तो मैंने पनीर के छोटे छोटे पीसेस बना रहा हूँ, देख सकते हो आप। इसमें हम ऐड करने वाला पनीर, मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में पनीर को कन्वर्ट कर दिया, ये ऐड हो गया। तो गाइस सबसे जो बेस्ट एक सीक्रेट मसाला मैं बता दूं आपको, जो मेरा फेवरेट है वो है ये टेस्ट मेकर है, पूरी रेसिपी का टेस्ट मेकर यही है गाइस। और इसके अलावा हम कोई मसाला यूज नहीं करने वाले। ये मैंने एक मैगी मसाला डाला है इसमें, ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो गाइज हमारा ये हाई प्रोटीन डाइट जो अपना लंच के लिए बनाया है मैंने, हाई प्रोटीन मील राइस के साथ बनाया है। इसमें कार्ब्स और गुड फैट एंड प्रोटीन तीनों हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। फाइबर्स में मैंने इसमें वेजिटेबल्स यूज़ किया है, तो फाइबर का काम करेगा। ठीक है, हम इसको सर्व करते हैं, प्लेटिंग करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो फाइनली गाइस ये रेडी हो चुका है हमारा, और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन है इसके अंदर। और आप इसका यूज़ वेट लॉस, मसल गेन, फैट लॉस में भी कर सकते हैं। तो मैंने लंच मील प्रिपेयर करी, आपसे ब्रेकफास्ट में भी कंज्यूम कर सकते हैं और लंच में कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए गाइस इसका टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसा है। और आप भी ट्राई की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाए, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ कमी हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना गाइस, इसमें किसी चीज़ की कमी रह गई हो। मैंने बहुत कम सामान में बहुत कम टाइम में बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर पूरा सेटअप नहीं था जितना जो था दिखाया आपको। तो चलिए टाइम आ गया टेस्ट करने का। अमेजिंग टेस्ट है गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये जो मैगी मसाले का जो फ्लेवर आ रहा है ना गाइस में, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मैं मेरे फ्रेंड को टेस्ट करवाता हूँ और उनसे रिव्यू लेते हैं, बताते हैं। तो भाई क्या कैसा लग रहा है? देखने में तो अच्छा लग रहा है, और टेस्ट करके बताओ बाबा। मस्त बना, एक नंबर। टेस्ट सही आ रहा है ना, और ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी। सारे मसाले फ्लेवर इक्वल है, तीखा है ज़्यादा डाइट के हिसाब से, बहुत अच्छी चीज़ है। ओके बाबा, तो चलिए गाइस। तो गाइस मैं इस मील को एंजॉय करता हूँ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नए टॉपिक पे, नए ब्लॉग में, या किसी ट्रैवलिंग ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना बिल्कुल। ओके गाइस, बाय बाय।